बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। अरे प्रोफेसर जाफर हुसैन जग साहब हैं हमारे पास आए हुए, ये जा रहे थे लाहौर, तो हमें इनसे कुछ काम था, तो उनकी मेहरबानी है लाहौर से मोटरवे से हफ्साबाद की तरफ से जा रहे थे, तो इनको वापस बुलाया गया, इनकी मेहरबानी ये वापस आ गए हैं। तो अभी हम गुजरांवाला बिल्कुल नवाब चौक के पास खड़े हैं। अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टूर जा रहा है कश्मीर, कश्मीर टूर के लिए रूममेट्स थे वो प्रोफेसर साहब से लेने थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लेके वापस चलेंगे टाउन। तो ये कुछ बुक्स लेके जा रहे हैं लाहौर, साथ साथ अपनी फील्ड को भी टाइम दे रहे हैं और यूट्यूब को भी टाइम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रहते हैं आप, तो कहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है ड्रोन कैमरा। जब भी ये टूर पे निकलते हैं अपनी तमाम तक तैयारी करके निकलते हैं। चला ये बता रहे हैं कि जल्द ही ये DG-11 जिस गाड़ी पे हम बैठे हुए हैं, इसका नाम रखा हुआ है उन्होंने, अच्छी गाड़ी पे इंशाल्लाह ये टूर करेंगे कश्मीर का और खूबसूरत इलाके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इस पर ट्रैवल करेंगे, तो हमें भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा इस पर ट्रैवल करने का। ये जी ड्रोन, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो प्रोफेसर साहब के गांव भी चक्कर लगाएंगे, वहां पे कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे, इनके फार्म हाउस का बागात हैं, तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ों की कवरेज करेंगे जो ही ये लाहौर से वापस आएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो कुछ स्टूडेंट हैं फिजिकल एजुकेशन वाले, वो ज़रूर इन प्रोफेसर साहब को जानते होंगे क्योंकि ये अपनी बुक्स बनाते हैं लिखते हैं। ओके जी, प्रोफेसर साहब भी लेट हो रहे हैं, तो ओके जी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली प्रोफेसर साहब से ड्रोन लेके मैं टाउन पहुंच चुका था, तो अभी जमाल भाई के साथ हम जाने लगे हैं ग्राउंड, और इस खूबसूरत और रोमांटिक मौसम में यहाँ पे मुझे एक बात याद करवाती जमाल भाई, जब भी जमाल भाई को लेके जाती हैं लेके आते हैं ना, तो गाड़ी लाजमी से पंचर होती है, तो आज भी कुछ यही कुछ हुआ है। तो जमाल भी कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लगाना, आपका तो लगेगा लगेगा नाम भाई जान। देखें जी अब बारिश अगर ना आई तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह गेम करेंगे इंशाल्लाह, तो बस अभी ये दुआ कीजिएगा गेम के दौरान बारिश ना आए। मुझे जमाल भाई आज अगर बारिश ना आए ना जमाल भाई को बहुत चीखे पड़ेंगे अली से। तो मौसम तो भाई फुल बारिश वाला बना गया है, अभी हवा भी तेज आना शुरू हो चुकी है। यहाँ देखिएगा यहाँ पे जी हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के गेम कर रहे हैं, ये रहे जी गुजर साहब, तो हम इस वाले विकेट पे गेम कर रहे हैं। जमाल भाई को सिक्स लगाया, जमाल भी बॉल लेने के लिए जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि जमाल भाई ने आई थी एक सिक्स किया, मैंने मुझे दो करने पड़ने हैं, तो फिर हम ये जो सिंगल विकेट का मुकाबला वो मैं जीत सकूँगा। दो बॉल पर एक सिक्स हो गया, चार बॉल पर एक सिक्स बाकी है, तो यहाँ पर भी एक इनिंग का अख्ताम हो गया। ये सब भाई ये रहे जी हमारे टाउन के सब भाई, कभी क्रिकेट खेला करते थे। सलाम फाइनली जी बारिश तो नहीं, लेकिन अभी हम गेम करके ग्राउंड पहुंचे, तो यहाँ पे हमारे कप्तान जी बता रहे हैं कि आज हमारा मैच है, तो ये रहे हमारे साथ जमाल भाई हैं। सलाम वालेकुम भाई साहब को यार, तो जिस टीम से मैच है वो भी आ चुकी है, ये टूर्नामेंट का मैच है, अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। और फाइनली जी हमारी टीम टोटल फील्डिंग पर लग चुकी है, तो हमारी पहली बॉलिंग है, तो फिर उसके बाद लेट्स गो जी। ये जी फैजान बॉलिंग करने के लिए आए हैं, और फाइनली यहाँ पे हम जीता हुआ मैच हार चुके हैं, मैनेजमेंट की गलतियों कुताहियों की वजह से हम यहाँ पे मैच हार चुके हैं जीता हुआ। इतना इतना टैलेंट हमारी टीम में जाया हो रहा है भाईजान, क्या बताएं आपको आज की ये जो हार है इसके मतलब क्या कहेंगे आप उस्मान भाई, मैनेजमेंट। मैच भी खत्म हो चुका है और बारिश भी आना शुरू हो चुकी है भाई जान। तो भाई मुबारक हो, आप हारा हुआ मैच जीत गए हैं जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी। ओके जी बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैचेस। मैं ना ओपनर से नीचे नहीं खेलता, असल मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने ओपनर का लेना, मैं वार ही नहीं ले सकता किसी नाथ। यहाँ पे जो मेहमान खुशी आए हैं वो मिलेंगे तमाम जो हमारी दोनों टीमें हैं। अभी ये दूसरी साइड को मिलेंगे तमाम जो मेहमान खुशी हैं, तो यहाँ पे कुछ इनामात तकसीम होंगे। ये जी जो टीम हमारे से मैच जीती है उनके कैप्टन जो उनसे ना वो ट्रॉफी रिसीव करेंगे। तो
हारी हुई साइड जो है वो हमारी यानी कि हमारे कैप्टन रिसीव करेंगे। जी हमारे कैप्टन अदा करते हैं अपने कीमती टाइम से, हमें टाइम दिया और जहाँ मीर मुगीरा साहब फैमिली मीर बगल पॉइंट वाले के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने हमें अपना सुशी टाइम दिया, जो कि मतलब उस्मान साहब ने हमें सुशी टाइम दिया उनके। यहाँ पे मेहमान एक सुशी टूर्नामेंट कमेटी को इनामात दे रहे हैं जी। अभी जी ग्राउंड में रिसीव करने के बाद ट्रैफिक का कुछ हमारे लड़कों ने ये हाल कर दिया है, सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और निकलते हैं जी ग्राउंड से फटाफट से, क्योंकि बारिश तेज आना शुरू हो चुकी है। दुख तो है सबको, लेकिन मैनेजमेंट को कुछ चीजें ठीक करना होगी। नेक्स्ट मैच तलहा भाई जा रहे थे तो मैंने सोचा तलहा भाई पैदल जा रहे हैं, तो पूछा कहाँ जा रहे थे, ये कह रहे कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि तलहा भाई को लेके जाते हैं और वापस भी ले आएंगे। कहाँ जा रहे अभी? दूध लेने हैं। चले जी ठीक है, अभी दूध लेके वापस इनको छोड़ देंगे। तो बिल्कुल सामने से ही दूध लेना है यहाँ से। चले जी यहाँ से ले लेते हैं दूध। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आज की जो शॉर्ट रूटीन थी वो आपके साथ शेयर की थी। तो अभी टाइम आता है जनाब डिनर का, तो डिनर में अम्मी जान ने क्या बनाया हुआ है वो आपने देख लिया है। अगेन एंड अगेन पाए बनाए अम्मी जान ने, और आज जीता हुआ मैच भी हम हारे हैं वो भी आपके साथ सारी वीडियो शेयर की है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्यों हम मैच हारे हैं। तो आपको एक और बात बताते चलूँ कि हमारा कश्मीर टूर जा रहा है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको कश्मीर टूर की जो वीडियोस वो मिलेंगी, जो हमने पीछे कश्मीर का टूर किया था उससे बहुत प्यार मिला आपका और कश्मीर के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम जा रहे हैं अगेन कश्मीर, लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा हमने एक्सप्लोर किया, अभी दूसरे हिस्से एक्सप्लोर करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कश्मीर के जो व्लॉग्स हैं वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो खैर आज के व्लॉग को, आज की वीडियो को यहीं पे करते ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।